में सीएनजी की कीमत तब्दील करने का फैसला वज़ारत पेट्रोलियम की जानिब से किया गया। सिंध में 6 अगस्त से सीएनजी किलो के बजाय लीटर में मिलेगी और सीएनजी की प्रति किलो कीमत 67.50 रुपए के बजाय 48.20 रुपए फी लीटर होगी और ये फैसला किया गया है। अहम खबर है, ईसीसी और ओगरा की मंजूरी के बाद सिंध में सीएनजी की कीमत तब्दील करने का फैसला किया गया है। मजीद तफसीला जान लेते हैं नुमाइंदा वक्त न्यूज अली मलिक से। अली मलिक, अपडेट कीजिएगा, सीएनजी की कीमत तब्दील करने का फैसला किया गया है। जी, हुकूमत ने आवाम की जेबों से पैसे निकालने का एक नया मंसूबा बनाया है और वो ये है की जो 6 अगस्त से सीएनजी की कीमत जो है वो किलो की बजाय लीटर में मुकर्र करने का फैसला किया गया है। पहले जो सीएनजी या गैस की जितनी भी कीमतें होती थी वो किलो में होती थी, लेकिन अब जो उसका तकरार है वो लीटर में करने का फैसला किया गया और 6 अगस्त की जो कीमत है वो फी किलो कीमत तकरीबन 67.50 रुपए फी किलो की बजाय 48 रुपए फी लीटर होगी, जबकि फार्मूला जो है उसके मुताबिक कीमत 48 बजाय 42 रुपए फी लीटर मुकर्र होनी चाहिए। इसमें जो लीटर में जब किलो से लीटर में मुंतकिल की जाएगी तो सार्फिन से जो फी लीटर 6 रुपए इजाफी वसूल किए जाएंगे, जो कि एक गैर कानूनी है क्योंकि जो कीमत में तब्दीली है उसका अख्तियार या तो ईसीसी है और ओगरा देता है और ओगरा की मंजूरी के बगैर वजारत या हुकूमत ऐसा नहीं कर सकती। और जो लीटर में मुंतकिल है ऐसे सीएनजी मालकान अपना जो मुनाफा वो भी 6 रुपए बुला रहे हैं और ओगरा की जो मंजूरी है उसके बगैर ये मैकेनिज्म जो है वो अपनाया जा रहा है। तो हुकूमत जो है उसने एक नया मंसूबा तैयार किया है कि जो सीएनजी की कीमत है वो अब किलो की बजाय लीटर में मुकर्रर करने का फैसला किया गया है। सिंध हुकूमत की जानिब से मंसूबा तैयार किया गया है, अब सीएनजी किलो के बजाय लीटर में मिलेगी। शुक्रिया अली मलिक, आपने अपडेट किया।